अगर यहाँ पे आप लोग भी आना चाहते हैं तो कभी ये गलती नहीं करना, वरना ये आपका जान भी ले सकता है अगर आप अकेला यहाँ पे आए। मैं तो सुबह इसी तरह ही करने वाला था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। जी हाँ, तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ देखा था उत्तरोल, और उत्तरोल का जो बाज़ार भी मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया था, और यहाँ सैलाब ने कितना नुकसान किया है वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो अभी मैं हूँ उत्तरोल के बाज़ार में, और यहाँ से चलते हैं स्पिनखोल लेक और स्पिनखोल आबशार। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे के फासिले पे है, लेकिन अभी रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, सैलाब ने सब कुछ ख़त्म ही किया है। तो देख लेते हैं कि कितने टाइम में मैं पहुंच लेता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल हूँ उत्तरोल के बाज़ार में ही, यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ले लिया, कोल्ड ड्रिंक और कुछ बिस्कुट वगैरह मैंने ले लिया अपने साथ। पता नहीं वहाँ पे फिर कोई होगा या नहीं, तो उम्मीद है कि सफ़र मेरा अच्छा ही रहेगा। अभी निकलते हैं यहाँ उत्तरोल के बाज़ार से स्पिनखोल वाटरफॉल की तरफ। मुझे पता नहीं कि पहले वाटरफॉल आएगा और बाद में, मेरे ख्याल से ये लेक है, जो भी पहले था वो पहले ही देख लेंगे, और बाद में जो है ना फिर वो दूसरा जो रह गया वही देख लेते हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से स्पिनखोल वाटरफॉल की तरफ। हाँ जी, तो अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े स्पिनखोल लेक और वाटरफॉल की तरफ। उत्तरोल बाज़ार से पूरा ही रास्ता ऑफ रोड सेक्शन ही है, इसमें इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कारपेट रोड तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टीप भी बहुत ज़्यादा है ये रास्ता। तो उम्मीद है कि मैं खैरियत ही पहुँचूँगा, क्योंकि आजकल सैलाब ने या सारे रोडों को बहुत ही ख़राब किया है। तो भाई साहब कह रहा था कि कुछ फासिले पे जो है ना आप मोटरसाइकिल पे ही तय कर लो, और फिर उसके बाद जो है आप पैदल ही चले जाओ। तो देख लेते हैं। ये अभी मैं उत्तरोल के गांव में ही हूँ, बस थोड़े देर में ही यहाँ से निकलूँगा। ये भी बहुत बड़ा ही गांव है और दोनों पहाड़ों के बीच में ही है। जी, तो रास्ता यहाँ तक ही था। भाई साहब के साथ मैंने बात किया तो मैंने कहा मैं अपना मोटरसाइकिल यहाँ पे ही खड़ा कर लूँगा, फिर शाम को आके मैं इनसे ले लूँगा वापस। तो इनका बहुत ही शुक्रिया कि उन्होंने हाँ ही कह दिया और मुझे कहा कि ठीक है आप मेरे घर में ही मोटरसाइकिल को रहने दो और आप पैदल ही चले जाओ, जैसे भी आप वापस आ जाए तो फिर आप अपना बाइक यहाँ से पैक ही कर लो। तो अभी मेरा पैदल रास्ता है यहाँ से इस साइड पर, और फिर स्पिनखोल लेक और आबशार जो है ना वो यही पे ही है कहीं। तो देख लेते हैं कि कितने टाइम में मैं पहुंच लेता हूँ वहाँ पे। आपके साथ एक बंदा आपके साथ ही कर लेता हूँ, आप उनके साथ ही चले जाओ, वो रास्ता भी आपको दिखा देगा और आपके लिए इजी भी रहेगा। तो उन्होंने इस भाई साहब को कह दिया और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मान भी लिया, कहा कि ठीक है मैं आपके साथ ही चल लेता हूँ स्पिनखोल लेक तक, और वहाँ का जो वाटरफॉल है उसी वो भी देख लेंगे। पर मुझे तो खुद पता नहीं कि पहले वाटरफॉल ही देख लेंगे या क्या कहते हैं आप झील, लेकिन देख लेते हैं कि अभी कौन सा जगह पहले आता है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने देख लिया रोड पे काम जारी है दोबारा ही इन 2-3 लेक्सों का। ये रोड है परी लेक है और स्पिनखोल है, कंडोल है, तो इसका यही एक लौता ही रास्ता है। तो अभी इस पे काम दोबारा ही जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रास्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मैं पैदल ही चला जाऊंगा वहाँ स्पिनखोल वाटरफॉल और लेक की तरफ।
जी, तो यहाँ तक ही रोड था। ये जगह आप देख सकते हैं अभी तो ख़त्म ही हो चुका है। नीचे वहाँ जो है ना उतरोड़ का गांव है। हम पूरा इस साइड पे आ गए यहाँ तक। तकरीबन आधा रास्ता जो है ना हमने किया, और ये जो रास्ता था ये आसान था। ये लाल मोहम्मद के कहने के मुताबिक ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं था। अभी ऊपर जो रास्ता है ये जंगल में है, पूरा ही इस जंगल में है। तो ये कह रहे हैं कि ये रास्ता थोड़ा ही मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कर लेंगे बहुत जल्दी ही। और ये खूबसूरत जो ट्रैक है ये भी मैं भी देख लूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अभी तक तो सच में बहुत ही मज़ा आ गया इस पूरी ट्रैक पे सफ़र करती। तो चलते हैं आगे और भी देख लेते हैं। तो वो नीचे जो जगह दिखाई दे रहा है वहाँ से यहाँ तक तो हम आ चुके। रास्ता बहुत ही स्टीप है, मतलब एकदम जो है ना रास्ता इसी तरह ही है स्टीप। और ऊपर भी आप देख सकते हो वहाँ तक। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रास्ता वो बिल्कुल ही स्टीप है, लेकिन हमने जो है ना बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से अपना कदम स्टार्ट किया ताकि तक न जाए। और फिर रास्ता आधे रास्ते जगह आधे रास्ते में ही न छोड़े, इस वजह से हम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ही चलते हैं ऊपर की तरफ। जी, तो पूरा एक घंटा और 50 मिनट का सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके स्पिनखोल वाटरफॉल। हाँ जी, तो आबशार का लुकअप देखने के लिए तकरीबन हमने यहाँ आधा ही घंटा गुजार लिया। अभी चलते हैं ऊपर और देख लेते हैं स्पिनखोल वाटरफॉल। तो ये था और स्पिनखोल लेक, तो ये भी बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट से पानी जो है नीचे गिरते हैं, और जो वाटर वेफर है ना वो धरने के पैस पे ही आते हैं जब आप नीचे खड़े होते हो। ऊपर तो हमने ये कही ये जगह थोड़ा ही मुश्किल है, तो इस वजह से नीचे से हमने इसका दीदार किया। अभी इस रास्ते से सीधा ही चलते हैं ऊपर, और इसके टॉप पे ही है स्पिनखोल लेक। हाँ जी, तो वहाँ से थोड़ा ही पासिलाबाद आते हैं ये पत्थर, तो आप लोगों ने इस पत्थरों से ही ऊपर जाना है। जगह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि उनकी ज़िंदगी में जो है ना बंदे को एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो चलते हैं ऊपर, इसको भी इंजॉय कर लेते हैं।
हाँ जी, तो हुआ ऐसे ही हम पैदल ही आए यहाँ तक। अगर आपको याद है तो वो वाटरफॉल वहाँ पे उस जगह पे ही था, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, वो पूरा ही इन पत्थरों के अंदर ही जाते हैं और वहाँ ही निकलते हैं। वहाँ से यहाँ तक तकरीबन हमने 40 से लेकर 50 मिनट का ही सफ़र कर दिया, और भी रहता है वहाँ तक। और वहाँ पे आप देख सकते हैं वो ग्लेशियर्स भी, और मेरे साथ मेरा भाई है, तो इतना ही दूर चला गया, बहुत ही तेज़ है वो। लेकिन यहाँ तक तो मैं इनके साथ ही मतलब मुकाबले ही कर रहा था, लेकिन इस जगह को चढ़ने के बाद अब मेरा सांस है वो रुक ही गया है, इस वजह से वो मुझे थोड़ा ही आगे हो गया। वो कह रहे हैं कि अभी भी 10-15 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं। और भी हाँ जी, तो पूरा 3 घंटे और 10 मिनट के मुसाफत के बाद फाइनली मैं पहुंच ही चुका स्पिन हॉल लेक, ये आप देख सकते हैं। जी तो ये है हमारा पिंखोल लेक। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि इसका रास्ता जो है ना बहुत ही टफ है, और बहुत सी जगहों पे जो है ना सिर्फ पत्थर पे ही अपने अपना रास्ता खुद ही बनाना है। लेकिन जगह अगर मैं बता दूँ तो A1 है, बिल्कुल ही खूबसूरती और मतलब एक हसीन ही जगह है। चारों तरफ जो है ना ये तीनों तरफ तो ये पहाड़ है, और एक तरफ जो है ना ये पत्थर ही है, और वहाँ पे थोड़े बहुत जो है ना दरख्त भी है। तो अगर यहाँ पे आप लोग भी आना चाहते हैं तो कभी ये गलती नहीं करना, वरना ये आपका जान भी ले सकता है अगर आप अकेला यहाँ पे आए। मैं तो सुबह इसी तरह ही करने वाला था, लेकिन इनका वालिद साहब मुझे मिल गया, उन्होंने कहा आपको आपको मैं अपने बेटे को कहता हूँ आपके साथ ही चला जाएगा, मुश्किल है ये ट्रैकिंग। तो उनका तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, कि उनके अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन पता ही बंदे को नहीं चलता कि कौन सा रास्ता है मेरा। अभी तो यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हुई, आप देख सकते हैं झील को भी और यहाँ भी पत्थरों को। यहाँ के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकता है और कभी भी मतलब मौसम ठीक ही होता है। तो वहाँ पे चलते हैं और भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ जी, तो ये है हमारा स्पिनखोल लेक। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि इसका रास्ता जो है ना बहुत ही टफ है, और बहुत सी जगहों पे जो है ना सिर्फ पत्थर पे ही अपने अपना रास्ता खुद ही बनाना है। लेकिन जगह अगर मैं बता दूँ तो A1 है, बिल्कुल ही खूबसूरती और मतलब एक हसीन ही जगह है। चारों तरफ जो है ना ये तीनों तरफ तो ये पहाड़ है, और एक तरफ जो है ना ये पत्थर ही है, और वहाँ पे थोड़े बहुत जो है ना दरख्त भी है। तो अगर यहाँ पे आप लोग भी आना चाहते हैं तो कभी ये गलती नहीं करना, वरना ये आपका जान भी ले सकता है अगर आप अकेला यहाँ पे आए। मैं तो सुबह इसी तरह ही करने वाला था, लेकिन इनका वालिद साहब मुझे मिल गया, उन्होंने कहा आपको आपको मैं अपने बेटे को कहता हूँ आपके साथ ही चला जाएगा, मुश्किल है ये ट्रैकिंग।
तो उनका तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उनके अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता, कि उनके ये रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन पता ही बंदे को नहीं चलता कि कौन सा रास्ता है मेरा। अभी तो यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हुई, आप देख सकते हैं झील को भी और यहाँ भी पत्थरों को। यहाँ के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकता है और कभी भी मतलब मौसम ठीक ही होता है। तो वहाँ पे चलते हैं और भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इस लेक के पानी का जो कलर है ना वो वाइटिश ब्लू है, बिल्कुल ब्लू कलर नहीं है, मतलब सफ़ेद जैसा ही है। इस वजह से इसी स्पिन स्पिन पुश्तो जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सफ़ेद, तो इस वजह से इस लेक को स्पिन खोल लेक कहते हैं। स्पिन खोल मतलब ये कि इसका जो पानी है सफ़ेद है, और खोला खोल जो है ना नॉर्मली पुश्तों में नाली को ही कहते हैं, तो यही इसका नाम का ही रीज़न होगा, पुश्तों का लफ्ज़ है। और बाकी जगह तो अमेजिंग ही है।